हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईपीएल 2021 के 7th मैच के बारे में, जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स इन दोनों टीम्स के बीच में। दोस्तों, ये मैच कल शाम को 7:30 PM को स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो इस वेन्यू पे इस आईपीएल का ये 3rd मैच होने वाला है। दोनों टीम्स अपना फर्स्ट मैच इस ग्राउंड पे खेल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स को आपको पता ही है, एक बड़ा ब्लो लगा है। तो क्या राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से न्यू प्लेयर को अभी अपने टीम में एडजस्ट करेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राजस्थान की बैटिंग ऑर्डर अभी बहुत मैटर करने वाली इस मैच के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको ज्वाइन होना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग जब कमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी पिन करी हुई। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा हमारे टेलीग्राम में आ जाओगे और चैनल से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं अब पिच के बारे में। तो वानखेड़े की पिच सबको पता है, बैटिंग फ्रेंडली होती है। पेसर्स को न्यू बॉल के साथ थोड़ा लेटरल मूवमेंट मिलता है, बाउंस मिलता है, अच्छा बैट पे आता है बॉल और बड़े शॉट लगते हैं। छोटा ग्राउंड है और यही कुछ हमें पिछले 2 मैचेस में देखने को मिला है। यही कुछ हमें इस मैच में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो लास्ट 2 मैचेस में हुआ क्या है, उससे पहले अगर आप ये देखोगे, ये आंकड़े हैं 2019 के सीजन के। 7 मैचेस में से 4 मैचेस बैटिंग सेकंड ने जीते थे। पेसर्स को 62 विकेट्स थी और स्पिनर्स को सिर्फ 16 विकेट्स थी। यही कुछ हमें पिछले 2 मैचेस में देखने को मिला है। CSK और DC का मैच था, वापस CSK ने 188 बना दिए थे। DC ने दिल्ली ने बहुत आसानी से चेस कर लिया था, 190 बना दिए थे। उस मैच में फास्टर्स को, मतलब पेसर्स को 8 विकेट्स थी, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। उसके बाद जो सेकंड मैच हुआ इस ग्राउंड पे, पंजाब ने पहले बैटिंग करते वक्त 221 बना दिए 6 विकेट के नुकसान पे। फास्टर्स को 5 तो स्पिनर्स को 1। फिर जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो राजस्थान रॉयल ने भी 217 बना दिए थे। ऑलमोस्ट चेस कर लिया था, टोटल ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। फास्टर्स को 7, स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला। तो पिछले 2 मैचेस में इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट्स मिली है, ठीक है? और मैक्सिमम विकेट पेसर्स को मिली है। हर मैच में रन बने हैं, आपको इस मैच में भी रन बनते हुए दिख सकते हैं। सेकंड इनिंग में यहाँ पे चेस भी हो जाता है। तो कोई भी टीम ऐसा नहीं होगी कि फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करेगी उसको फेवर करके चलो, या फिर सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करेगी उसको फेवर करके चलो। दोनों को बैलेंस रखो, दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर को फेवर करो, दोनों टीम्स के डेथ और बॉलर्स को फेवर करके चलोगे तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। बट 2 मैचेस में हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, 2 मैचेस में जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है और जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी थी, उनके बॉलर्स को लैटरल मूवमेंट मिल रहा था, सिम हो रहा था बॉल न्यू बॉल के साथ। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हो सकता है जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके ओपनर स्ट्रगल कर सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है, इस मैच के लिए याद रखना। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो ऑब्वियसली अपना पहला मैच हार के आई है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा था विद बैट, बट लास्ट में 4-5 रन से हार गई थी। और प्लेइंग 11 दोस्तों चेंज होगी, इनको एक बड़ा ब्लो लगा है। बेन स्टोक्स पूरे टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो चुके हैं, बिकॉज फर्स्ट मैच में एक कैच पकड़ते वक्त तो उनका जो मिडल फिंगर है वो ब्रोक हो गया, मतलब ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो इसी वजह से पूरे IPL से वो रूल आउट हो चुके हैं। हाँ, आपको वो जरूर ग्राउंड पे दिखेंगे, क्योंकि पूरे IPL में वो बाहर से हेल्प करने वाले हैं टीम का, घर नहीं जाने वाले हैं, IPL में यही रुकने वाले, ऐसा सुनने में अभी आया है। तो आपको IPL में वहाँ पे दिख सकते हैं ग्राउंड में, बट खेलेंगे नहीं इतना कन्फर्म है। तो अभी क्या होगा, जॉस बटलर पिछले मैच में क्या कर रहे थे, 4 नंबर पे आए थे और बेन स्टोक्स ओपन कर रहे थे मनन बोरा के साथ। क्या अभी टीम जॉस बटलर को ओपन पे भेजेगी और क्या डेविड मिलर को खिलाएगी नंबर 4 पे, या फिर हो सकता है कि लियाम लिविंगस्टन को टीम ओपन करवा ले मनन ओरा के साथ और जॉस बटलर को नंबर 4 पे ही रखे। तो हमें पता चलेगा बेन स्टोक्स के जगह पे क्या लियाम लिविंगस्टन आएंगे, ठीक है, क्या अब डेविड मिलर आएंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्म अच्छा है। डेविड मिलर का भी फॉर्म अच्छा है, बट डेविड मिलर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लियाम लिविंगस्टन ने ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है इंडिया में। तो फिर देखते किसको टीम खिलाएगी, बाकी सेम टीम होगी, बाकी कोई टीम में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं पिछले मैच के परफॉर्मेंस की। तो जॉस बटलर ने 25 बनाए थे, ऑब्वियसली नंबर 4 पे आए थे, ओपन पे नहीं आए थे, नंबर 4 पे आए थे, याद रखना। अपने पहले 4 गेंदों में आई थिंक राइली मेरेदीथ को 4 फोर्स लगाए थे, अच्छे फॉर्म में लगे थे। मनन ओरा भी ठीक लग रहे थे, 12 रन बनाए थे, ओपन को आए थे, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर का काम करेंगे, क्योंकि रन बनाते हैं और वानखेड़े में रन बन सकते हैं। अगर कगिसो रबाडा एंड्रिक नोकिया को अगर ये खेल ले तो मनन ओरा रन बना सकता है, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करोगे। संजू सैमसन क्या जबरदस्त बैटिंग करी थी, 119
19 रन 63 गेंदों में ओनली, जबरदस्त मैच विनिंग पारी थी, ऑलमोस्ट मैच विनिंग पारी रही थी, 4 रन से जरूर पीछे रह गए बट बैटिंग जबरदस्त थी। रियान पराग ये नंबर लगभग 5-6 पे नंबर पे आए थे, थोड़ा नीचे आए थे, मुझे लगता है कि इस बार ये नंबर 4 या फिर नंबर 5 पे आने चाहिए। बढ़िया बैटिंग करी थी, 25 रन बनाए थे 11 गेंदों में और क्या क्लास शॉट्स लगाए थे, बहुत अच्छे लगे। शिवम दुबे 25 बनाए थे 15 गेंदों में, ये भी अच्छे लग रहे थे। राहुल टेवाटे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 2 रन 4 गेंदों में। क्रिस मॉरिस नॉट आउट रहे थे, 2 रन बनाए थे 4 गेंदों में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करोगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो चेतन सकरिया जो हमारे टीम का हिस्सा रहे थे पिछले मैच में, 4 ओवर में 31 रन देके 3 विकेट्स, ऐसे मैच में जहां पे पंजाब ने 221 रन बना लिए थे, उस मैच में चेतन सकरिया ने 4 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए थे और साथ ही साथ 3 विकेट्स निकाली थी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इन्होंने डेथ में 2 ओवर बॉलिंग करी थी, तो इसका मतलब है कि प्रिपेयर होके आए हैं, अच्छे बॉलर है, पावर प्ले में डालेंगे, डेथ में डालेंगे, विकेट निकालेंगे, अच्छे चांसेस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, इन्होंने गेंदबाजी वैसे अच्छी करी थी, इनके बॉलिंग पे कैचेस छूटी थी, 2 कैचेस आई थिंक छूटी थी और ईजी कैचेस छूटी थी, तो इनको विकेट्स एक्चुअली मिलनी चाहिए थी बट मिली नहीं। तो आप लोग जरूर इस मैच में प्रेफर कर सकते हो, जरूर उन्हें सिर्फ 45 रन दे दिए थे बट जरूर ट्राई कर सकते हो। मॉरिस अच्छी गेंदबाजी रही थी, 4 ओवर में 41 रन दिए थे, 2 विकेट्स निकाली थी, ऑलमोस्ट हर बार निकाल लेते हैं, डेथ में गेंदबाजी अच्छी करते हैं। सुरेश गोपाल 3 ओवर में 40 रन, वानखेड़े में ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलता। शिवम दुबे ने 1 ओवर में 20 रन दिए थे, राहुल टेवाटे ने 2 ओवर में 25 रन दिए थे, रियान पराग ने सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी करी थी, क्रिस गेल को आउट किया था, 1 ओवर में 7 रन देके 1 विकेट निकाला था। तो रियान पराग ने विकेट भी निकाली थी, रियान पराग ने 25 रन भी बना दिए थे, आपके लिए बहुत अच्छे पिक हो साबित हो सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए जरूर ट्राई आप लोग कर सकते हो। दोस्तों इस टीम का मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, बॉलिंग सेक्शन का 3 बॉलर से क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकरिया, ये अपने पूरे 4-4 ओवर कंप्लीट करेंगे, मतलब 12 ओवर्स डालेंगे, बट जो बचे हुए 8 ओवर्स होंगे वो श्रेयस गोपाल, राहुल टेवाटिया और शिवम दुबे खत्म करेंगे। बेन स्टोक्स अभी नहीं है तो बेन स्टोक्स ऑब्वियसली वो मिसिंग रहेगा, तो ये 3 बॉलर्स आपको फिनिश करते हुए दिख सकते हैं। अगर टीम लियाम लिविंगस्टन को खिला ले तो फिर हो सकता है कि लियाम लिविंगस्टन को 1-2 ओवर गेंदबाजी करने को दे सकते हैं, बट चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ये 3 बॉलर्स ही आपको बाकी के 8 ओवर्स डालते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली कैपिटल्स की, तो लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त रहा इनका, विद बैट विद बॉल दोनों अच्छा रहा था, क्योंकि बॉलिंग से 180 बनाने दिए थे वानखेड़े के पीच पे दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद बैटिंग बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा, ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, टीम में चेंजेस होंगे। देखो कग्गीसो रबाटा, एंड्रिक नोकिया दोनों अवेलेबल नहीं थे लास्ट मैच में, अब दोनों अवेलेबल है तो दोनों सीधा टीम में आ जाएंगे। जाएगा कौन बाहर? क्रिस वोक्स और टॉम कर्नी दोनों बाहर जाएंगे, रबाटा और एंड्रिक नोकिया दोनों टीम में आ जाएंगे, तो टीम और भी सॉलिड हो जाएगी, इनकी बॉलिंग और भी सॉलिड हो जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ चेंज करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें इनके स्टैट्स की, तो लास्ट मैच में शिखर धवन हमारे कैप्टन रहे थे, 85 बनाए थे 54 गेंदों में, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग रही थी और यही आप लोग को इस मैच में ये रिपीट करते हुए दिख सकते हैं। पृथ्वी शॉ अगेन अ फंटेस्टिंग बैटिंग, 72 रन 38 गेंदों में, बहुत ज़बरदस्त रहे थे। ग्रैंड लीग में तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहे थे दोनों, और उस टीम ने क्या मचाया था आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अजिंक्य रहाणे बैटिंग को ही नहीं आए, वन डाउन आते हैं बट बैटिंग को ही नहीं आए, दोनों की पार्टनरशिप जबरदस्त रही। उसके बाद डायरेक्टली ऋषभ पंत आ गए, उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस आ गए, उसके बाद शिमरन हेटमायर आए थे बट उनको बैटिंग करने को मिला नहीं, मैच खत्म हो गया था। तो रहाणे का यही परेशानी है, रहाणे का भी सिलेक्शन बहुत कम है, तो अगर इन दोनों में से कोई जल्दी आउट होता है, मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में आउट होता है, तो अजिंक्य रहाणे आपको आता हुआ दिख सकता है, और अगर 10 ओवर के बाद विकेट गिरती, 9 ओवर के बाद विकेट गिरती, तो शायद ऋषभ पंत आ जाएगा, तो इसी बात का टेंशन है। बाकी मैं अजिंक्य रहाणे को प्रेफर करना चाहता हूँ, स्मॉल लीग में भी लेना चाहता हूँ। देखो ग्रैंड लीग में तो मैं ट्राई करूंगा ही करूंगा, कैप्टन भी ट्राई करूंगा मैं किसी ना किसी टीम में, बिकॉज अगर टॉप ऑर्डर में से पृथ्वी शॉ या फिर शिखर धवन जल्दी चले जाए तो अजिंक्य रहाणे आपको एक अच्छी इनिंग और एक जबरदस्त इनिंग खेलते हुए दिख सकते हैं। तो रहाणे को ग्रैंड लीग में करोगे कैप्टन, ऑलरेडी उसका सिलेक्शन बहुत कम रहेगा। उसके बाद ऋषभ पंत, मार्कस स्टॉइनिस, शिमरन हेटमायर तीनों फिनिशिंग का काम करेंगे, बड़े शॉट का काम करेंगे। अश्विन कैन बैट, रबाड़ा भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्रिस वोक्स लास्ट मैच में खेले थे, 2 विकेट्स, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी, 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे। उसके बाद आवेश खान, क्या बॉलिंग रही थी, 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट्स निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी रही थी। रविचंद्रन अश्विन को भी 1 विकेट मिल गया था वैसे, ठीक है, टॉम करन को 1 विकेट मिल गया था, बट टॉम करन क्रिस वोक्स दोनों इस मैच में नहीं खेलेंगे। अमित मिश्रा 3 ओवर में 27 रन दिए थे, मार्कस स्टॉइनिस ने 2 ओवर में 26 रन दिए थे। तो यहाँ पे रन पड़ते हैं, स्पिनर हो पेसर हो रन पड़ते हैं, बट यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलती है, तो आप लोग पेसर्स को फेवर करके चल सकते हो। दोस्तों कग्गीसो रबाडा और एंड्रिक नोकिया इस मैच में खेलने वाले हैं, तो दोनों के रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो कग्गीसो रबाडा ने लास्ट 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और एंड्रिक नोर्तजे ने 7 विकेट्स निकाली थी 2 मैच में। तो ग्रैंड लीग के लिए दोनों बहुत अच्छे पिक होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो।
और दोस्तों मैं आपको डेविड मिलर के भी स्टैट्स दिखा देता हूँ। डेविड मिलर भी खेलने वाला है, अपने पिछले दोनों वनडे मैचेस में 50-50 मार के आया हुआ है, ठीक है, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। तो इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, डोमेस्टिक में भी अच्छे फॉर्म में दिखे थे, जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, इंडिया के सामने दो वनडे मैचेस खेले थे, 27 रन 36 रन बनाए थे और एक विकेट निकाला था। तो लियाम लिविंगस्टन का फॉर्म अच्छा है, प्रैक्टिस जो मैच हुआ था उसमें भी रन इन्होंने बनाए थे, जरूर इन्होंने स्कोर नहीं बताया कि कितने रन बनाए, बट लियाम लिविंगस्टन ने अच्छी बैटिंग करी थी। क्योंकि एक जो राजस्थान का प्लेयर है उसने बोला था कि इंटरव्यू में कि लियाम लिविंगस्टन ने आज प्रैक्टिस मैच में बहुत बड़े बड़े जबरदस्त सिक्सेस लगाए, तो लियाम लिविंगस्टन को भी टीम प्रेफर कर सकती। देखते दोनों में से कौन खेलेगा, दोनों में से कोई एक खेलेगा, अब कौन खेलेगा वो भी देखने लायक बनेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की। तो दोनों टीम्स के बीच में हो चुके हैं 22 मैचेस, डीसी ने 11 जीते हैं, आरआर ने 11 जीते हैं, बट पिछले 5 मैचेस में से पाँचों के पाँचों डीसी ने जीते हैं, ठीक है। तो डीसी ऑब्वियसली पिछले 2 साल से अच्छी करने लगी है, तो पिछले दोनों साल डीसी के लिए बहुत अच्छे रहे आरआर के अगेंस्ट, तो देख के चलोगे। और यहाँ पे भी डीसी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स मतलब दोनों टीम्स के बीच में जब और मैचेस हुए तब किसने क्या किया है, रन कैसे बने हैं, तो मोस्ट रन बनाए संजू सैमसन ने 160 रन राजस्थान के लिए। विकेट्स में श्रेयस गोपाल ने 6 विकेट्स निकाली है और जयदेव उनादकट ने 6 निकाली, बट उनादकट खेलेंगे नहीं। डीसी की ओर से ऋषभ पंत ने 225 बनाए हैं, शिखर धवन ने 192 बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स की बात करें तो अमित मिश्रा ने 20 विकेट्स निकाली है राजस्थान के सामने, रबाडा ने भी 6 विकेट्स निकाली। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज़्यादा 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं, बट अजिंक्य रहाणे ने मोस्ट ऑफ रन राजस्थान के लिए खेलते हुए निकाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 साल पहले राजस्थान के लिए ही खेलते थे अजिंक्य रहाणे, और बहुत ज्यादा क्रिकेट राजस्थान के लिए अजिंक्य रहाणे ने खेला है आईपीएल में, तो इसी वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं प्लेयर बैटल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स। तो जॉस बटलर की बात करें जो शायद ओपन कर सकता है, अमित मिश्रा के सामने 7 गेंदों में 8 रन देके 2 बार आउट हुए, ठीक है, तो परेशान होते हैं लेग स्पिनर के सामने, बट इस ग्राउंड पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। मार्कस स्टोइनिस ने भी 2 बार आउट किया है, बट ज़्यादा इफेक्टिव मेरे हिसाब से साबित ना हो। नोकिया ने 1 बार आउट किया है, रविचंद्रन अश्विन ने 1 बार आउट किया 40 बॉल में सिर्फ 45 रन देके। रबाडा ने अब तक आउट नहीं किया है दोस्तों जॉस बटलर को, और आवेश खान ने भी अब तक आउट नहीं किया, बट आवेश खान ने 10 गेंदों में 34 रन्स दिए हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। दोस्तों मनन ओरा जो ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ या फिर लियम लिविंगस्टन के साथ, तो अमित मिश्रा ने 2 बार आउट किया मनन ओरा को, और रविचंद्रन अश्विन ने अब तक आउट नहीं किया है, बाकी बॉलर्स ने मनन ओरा के सामने बॉलिंग नहीं करी है अब तक। संजू सैमसन, मार्कस स्टोइनिस ने 12 गेंदों में 18 रन देके 2 बार आउट किया है, अमित मिश्रा 1 बार आउट कर चुके हैं, आवेश खान ने 2 गेंदों में 1 बार आउट किया है, रविचंद्रन अश्विन ने 1 बार आउट किया है, रबाडा और नोकिया ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करी है संजू सैमसन को, तो अच्छी गेंदबाजी रही है बाकी बॉलर्स ने संजू सैमसन के सामने। डेविड मिलर, अश्विन ने 2 बार आउट किया 50 गेंदों में 66 रन देके, अमित मिश्रा ने 51 बॉल में 68 रन देके 1 बार आउट किया है, आवेश खान, मार्कस स्टोइनिस, रबाडा और एंड्रिक नोकिया ने अब तक आउट नहीं किया और ज़्यादा गेंदबाजी भी नहीं करी है मिलर को। राहुल टेवाटिया, रविचंद्रन अश्विन ने 1 बार आउट किया है, रबाडा 1 बार आउट कर चुके हैं, एंड्रिक नोकिया ने अब तक आउट नहीं किया। शिवम दुबे की बात करें तो रबाडा ने 2 बार आउट किया है, तो डेथ में अच्छी गेंदबाजी करेंगे दुबे के सामने। अश्विन और नोकिया ने अब तक आउट नहीं किया, नॉर्थ जे भी बोला जाता है और हम लोग नोकिया भी बोलते हैं। रियान पराग, रबाडा 1 बार आउट कर चुके हैं, नोकिया ने अब तक आउट नहीं किया। तो अगर आप लोग देखोगे तो उतने इंप्रेसिव मुझे बैटल्स नहीं दिखे हैं, बट ये जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है मनन ओरा के सामने कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्थजे, अगर वो दोनों अच्छा कर जाते हैं, मनन ओरा अगर जल्दी निकल जाएगा तो फिर ठीक है, बट आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पीक साबित होगा क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम है। और अगर मनन ओरा आएगा ओपन को, तो आपको पता है कि बैटिंग कितनी अच्छी होती है वानखेड़े में, तो बड़ा स्कोर आ सकता है, बस मुझे डर लग रहा है कि कगिसो रबाडा या फिर एंड्रिक नोकिया अपने पेस के दम पे मनन ओरा को आउट ना कर दे, बाकी मनन ओरा रन बना सकता है, बाकी मुझे उतने इंप्रेसिव बैटल नहीं लगे। रबाडा और नोकिया ही इंपॉर्टेंट बनेंगे जो विकेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं डीसी के बैट्समैन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स। तो शिखर धवन के सामने क्रिस मॉरिस ने 62 गेंदों में 94 रन दिए हैं और 2 बार आउट किया है, तो मुझे लगता है कि शिखर धवन ने अच्छा किया है। गोपाल ने 23 बॉल में 41 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया है, टेवाटिया ने अब तक आउट नहीं किया, मुस्तफिजुर रहमान ने 37 गेंदों में 55 रन दिए है और 1 बार भी आउट नहीं किया, तो शिखर धवन ने अच्छी बैटिंग करी और फिर से रन बना सकते हैं। प्रीतु शॉ की बात करें दोस्तों, तो क्रिस मॉरिस ने सिर्फ 1 गेंद डाली है जिसमें विकेट नहीं लिया, श्रेयस गोपाल ने 11 गेंदों में 14 रन देके 2 बार पृथ्वी शॉ को आउट किया है, इस ग्राउंड पे मुश्किलें बनने वाली है श्रेयस गोपाल के लिए। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 1 बार आउट कर चुके हैं, टेवाटिया ने अब तक आउट नहीं किया, क्रिस मॉरिस ने भी अजिंक्य रहाणे को अब तक आउट नहीं किया और 38 गेंदों में 53 रन भी दिए हैं।
वही दोस्तों, ऋषभ पंत की बात करें तो श्रेयस गोपाल के सामने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, मुस्तफिजुर रहमान के सामने अच्छी बैटिंग करी है, मॉरिस के सामने अब तक बैटिंग करी ही नहीं है ऋषभ पंत ने। वही मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो क्रिस मॉरिस ने 2 बार आउट किया है, अच्छी गेंदबाजी करी है मॉरिस ने, गोपाल ने 1 बार आउट किया है और राहुल टेवाटिया ने मार्कस स्टोइनिस को 1 बार आउट किया है। दोस्तों अच्छे प्लेयर बैटर्स आपके सामने लेके आए, स्पेशली डीसी के बैट्समैन के सामने, तो बहुत इंप्रेसिव था। तो वीडियो को लाइक यार जरूर करना है, वीडियो को कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अभी तो आईपीएल स्टार्ट हुआ है, पूरे आईपीएल में बहुत काम करना है, तो अगर आप लोग लाइक करते रहोगे वीडियोस को तो अच्छा लगता रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्रिस मॉरिस एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं जो विकेट निकालेंगे, बाकी मुझे उतने इंप्रेसिव बॉलर नहीं लग रहे राजस्थान रॉयल्स के, तो थोड़ा सा देख के चलोगे डीसी फिर से अच्छी बैटिंग कर सकती है। तो दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में आपको बहुत 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिलने वाले हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से 2 विकेट कीपिंग करेंगे, ये दोनों विकेट कीपिंग करेंगे अपने अपने टीम के लिए। बटलर ओपन कर सकते हैं इस मैच के लिए और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए पिक साबित हो सकते हैं। तीनों को ऑब्वियसली मैं स्मॉल लीग में लेने वाला हूँ, उसमें एम बिलिंग्स अनुज रावत दोनों नहीं खेलेंगे, दोनों टैलेंटेड है बट खेलेंगे नहीं। चलते दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, शिखर धवन पृथ्वी शॉ दोनों ऑब्वियस चॉइस है लेके चलेंगे। यहाँ पे है रियान पराग, मैं इनको ले रहा हूँ इस मैच के लिए ना, रियान पराग का परफॉर्मेंस या फिर इससे आगे जो भी राजस्थान रॉयल्स के मैचेस होंगे, रियान पराग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेन स्टोक्स के जाने की वजह से रियान पराग बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद अभी टीम रियान पराग पर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, तो रियान पराग को लेकर जरूर चलना, ठीक है। उसके बाद मनन ओरा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकता है, ओपन करेगा रन बना सकता है, बस मुझे ना रबाडा और एंड्रिक नोकिया इसका डर है कि ये दोनों में से कोई एक मनन ओरा को निकाल सकते हैं पावर प्ले में, अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कतें आ सकती है। बट अगर मनन ओरा रन बनाए जाए ना दोस्त, तो आपको वन साइड जिता सकता है स्मॉल लीग में, तो यू कैन कंसिडर ही मीन अ स्मॉल लीग अल्सो। शिमरन हेटमायर को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करोगे, जब डीसी का टॉप ऑर्डर फेल होगा सिमरन हेटमायर को बैटिंग मिलेगी, ठीक है। अजिंक्य रहाणे अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए बहुत ज़बरदस्त पीक है, बिकॉज पिछले मैच में क्या हुआ था कि दोनों ओपनर्स ने बहुत रन बना दिए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर्स खेल लिए, तो रहाणे को बैटिंग नहीं मिली, सीधा पंत आ गए, मार्कस स्टोइनिस आ गए। बट हो सकता है ना कि दोनों में से कोई एक जल्दी आउट हो जाए, पृथ्वी शॉ के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं जल्दी आउट होने के, तो उस कंडीशन में अजिंक्य रहाणे आ जाएंगे वन डाउन को। और जिस क्वालिटी के रहाणे हैं, वानखेड़े का स्टेडियम है, पूरी लाइफ उन्होंने वानखेड़े में क्रिकेट खेला है, मुंबई से ही है अजिंक्य रहाणे प्रॉपर, तो रहाणे कैन बी योर वेरी गुड पिक इन ग्रैंड लीग, कैप्टन जरूर ट्राई करना, मैं तो 100% ट्राई करने वाला हूँ दोस्त। अगर चल गया ना तो वन साइड जिता सकता है, जस्ट 10% सिलेक्शन है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सिलेक्शन जाएगा 25% तक, इससे ज़्यादा तो जाने नहीं वाला, तो बहुत अच्छे पिक साबित होंगे। स्मिथ नहीं खेलेंगे, देखना नहीं है, डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टन दोनों में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा दोस्त वो बहुत अच्छा डिफरेंशियल प्लेयर काम करेगा, स्पेशली लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि लिविंगस्टन खेलेगा तो मेरे हिसाब से ओपन करेगा, डेविड मिलर खेलेगा तो नंबर 4 या फिर नंबर 5 पे आएगा, तो लियाम लिविंगस्टन बहुत अच्छा पिक बनेगा, डेविड मिलर एक अच्छा पिक बनेगा, अगर दोनों में से जो भी खेलेगा उसे जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में, ठीक है। जयसवाल नहीं खेलेगा, महिपाल लोमरर नहीं खेलेगा, रिपल पटेल भी नहीं खेलेगा, विष्णु विनोद नहीं खेलेगा, चारों का फॉर्म अच्छा है, चारों बहुत अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर से, बट यहाँ पे चांसेस नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलते ऑलराउंडर सेक्शन में, क्रिस मॉरिस ऑब्वियस पी के ले लेना है, बेन स्टोक्स के ऊपर अभी देखना ही नहीं है, पूरे आईपीएल में नहीं खेलने वाले, ठीक है। चलते हैं ओक्स पे, जो नहीं खेलेंगे रबाडा के आने की वजह से, नॉर्थ जे के आने की वजह से क्रिस ओक्स को बैठना पड़ेगा बेंच पे, तो ये खेलेंगे नहीं। मार्कस स्टोइनिस, इनका सिलेक्शन देखो 38% है, अगर डीसी का टॉप ऑर्डर फेल होगा तो ऑब्वियसली मार्कस स्टोइनिस को बैटिंग मिलेगी, और मार्कस स्टोइनिस का बैटिंग फॉर्म अच्छा है तो रन बना सकते हैं, लास्ट मैच में भी 9 गेंदों में 3 फोर्स लगाए थे, ठीक है। और बॉलिंग करेंगे, लास्ट मैच में भी आई थिंक 1 ओवर या फिर 2 ओवर बॉलिंग करी थी, तो बॉलिंग करेंगे हर मैच में, 1 ओवर 2 ओवर बॉलिंग करते रहेंगे, तो बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक है ग्रैंड लीग के लिए, जरूर ट्राई करोगे। सेम विथ राहुल टेवाटिया, बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक, शिवम दुबे बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक, दुबे नंबर 5 पे आए थे लास्ट मैच में, नंबर 5 पे मतलब 3 विकेट गिरने के बाद 25 बनाए थे 15 गेंदों में, तो सोचो अगर अच्छे रन बना जाए, बैटिंग को ऊपर आ जाए, 1 और गेंदबाजी भी करी थी, सिलेक्शन देखो ओनली 4% सिलेक्शन है, कितने ज़बरदस्त ग्रैंड लीग पिक है। राहुल टेवाटिया, आपको पता ही लास्ट ईयर किस तरीके से राहुल टेवाटिया का रहा था, प्लस ये बॉलिंग करता है, लास्ट मैच में 2 और गेंदबाजी भी करी थी, विकेट भी लेके जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा डिफरेंशियल पिक है ग्रैंड लीग में, दोनों को जरूर रोटेट करना है। और हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल करे, टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल कोविड के वजह से अभी अवेलेबल नहीं है, ललित यादव एक अच्छे पिक है बट इनको टीम खिलाएगी नहीं,
चलते बॉलिंग सेक्शन में, चेतन सरकारी या ओपीएस पीके में इनको लेके चलूंगा। लास्ट मैच में भी मैंने लिया था, मैं इस मैच में भी लूंगा, बिकॉज लास्ट मैच में इन्होंने डेथ में गेंदबाजी करी थी, 3 विकेट्स निकाले थे, पावर प्ले में गेंदबाजी करी थी, मिडल ओवर्स में आए थे तो इंप्रेसिव लगे। ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा अच्छा करते हैं तो लेके चलता हूँ। उसके बाद है आवेश खान, पब्लिक इनको लेके आएगी, या फिर हो सकता है कि जैसे ही पब्लिक को पता चले रबाडा या नॉर्थ अजय दोनों खेलने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग आवेश खान को फिर उस कंडीशन में लाएंगे, तो मैं सीधा यहाँ पे रबाडा को ले लेता हूँ और एनरिक नॉर्थ अजय को ले लूँगा क्योंकि दोनों खेलने वाले हैं। ठीक है, जोफ्रा आर्चर 4 मैचेस के लिए मिनिमम अवेलेबल नहीं है, सुनने में आया कि अभी इन्होंने लाइट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है इंग्लैंड में, तो देखते ही अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। टॉम करन भी ड्रॉप हो जाएंगे, ऑब्वियसली रबाडा और नॉर्थ अजय के आने की वजह से टॉम करन भी ड्रॉप हो जाएंगे इस मैच में। अश्विन को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, विकेट निकाल सकते हैं बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। आवेश खान को ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं, अभी भी आप लोग आवेश खान के साथ जा सकते हो, विकेट निकाल सकता है। मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी रही थी, विकेट नहीं मिली थी बट कैचेस छूटे थे इनके बॉलिंग पे, जरूर ट्राई करोगे। श्रेयस गोपाल को मैं ज़्यादा स्मॉल लीग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में टारगेट करना। मिश्रा को भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में टारगेट करना। उनादकट नहीं खेलेंगे, एंड्रयू टाई के भी मेरे हिसाब से चांसेस नहीं है, शर्मा के चांसेस नहीं है, तैगी के चांसेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यम सिद्धार्थ बहुत अच्छे पी के नहीं खेलेंगे, आकाश सिंह, उमेश यादव, कुलदीप यादव, ये दूसरे कुलदीप यादव, ये केकेआर वाले कुलदीप यादव नहीं है, मयंक मार्कंडे, केसी करियप्पा, प्रवीण दुबे, लुकमान मेरीवाला, ये सारे लोग नहीं खेलेंगे, सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है बट खेलेंगे नहीं। ठीक है, अभी बात आती है 11th प्लेयर पर, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि लेना किसे, आवेश खान को लूँ या फिर मार्कस स्टोइनिस को ले लूँ, ठीक है, या फिर बैटिंग सेक्शन पर दोस्तों मिलर को, सॉरी मिलर या फिर लियाम लिविंगस्टन जो भी खेलेगा उनमें से कोई एक उठाने की कोशिश करेंगे, या फिर अजिंक्य रहाणे लूँ या फिर मनन ओरा लूँ। थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि 11 प्लेयर मुझे लेना किसे, हो सकता है कि राहुल तिवारी या फिर शिवम दुबे दोनों में से कोई एक ले लूँ बैटिंग ऑर्डर को देख के, बॉलिंग लाइनअप देख के, बट अभी मैं कन्फ्यूज हूँ कि मुझे 11 प्लेयर लेना किसे है। तो हम लोग 11 प्लेयर का डिसीजन लेंगे फाइनल टेलीग्राम चैनल पे, यही ये टीम तो मेरी ऑलमोस्ट रहेगी, ये सारे प्लेयर्स 10 प्लेयर तो मैं लेके ही जाऊंगा, बस 11 प्लेयर किसे लेना है ये डिसीजन मैं अभी नहीं ले पाया हूँ। अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्लेइंग 11, अकॉर्डिंग टू टॉस हम लोग डिसाइड करेंगे 11 प्लेयर लेना किसे है। राजस्थान लियाम लिविंगस्टन को खिलाएगी तो हम लोग लियाम लिविंगस्टन को ले लेंगे, राजस्थान अगर मिलर को खिलाएगी तो हो सकता है मैं मनन ओरा के साथ चला जाऊँ या फिर अजिंक्य रहाणे के साथ चला जाऊँ, वो डिसीजन टॉस पे होने के बाद मैं लेने वाला हूँ। अभी के लिए कोई एक प्लेयर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग एक प्लेयर ले लेते हैं यहाँ से के रहने को और इस टीम को कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी देने के देनी किसे, तो मेरी कैप्टनसी जा रही है सीधा सीधा शिखर धवन को, लास्ट मैच में भी बनाया था, मैं इस मैच में भी बनाऊंगा, क्यों बना रहा हूं, बिकॉज जिस तरीके से इनका फॉर्म रहा है वानखेड़े में रन बनाएंगे, राजस्थान के पास ऐसा बहुत ज़बरदस्त कोई बॉलर नहीं जो शिखर धवन को बहुत परेशान कर पाए, तो मैं शिखर धवन को कैप्टनसी दे रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी में थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, जॉस बटलर, इन तीनों में एक्चुअली मैं कन्फ्यूज हूँ कि इन तीनों में से किसे ट्राई करना है। जॉस बटलर अगर ओपन को आएंगे तो मैं जॉस बटलर को कर लूँगा वाइस कैप्टन, अगर नहीं आते हैं जॉस बटलर ओपन को तो फिर मैं संजू सैमसन को वाइस कैप्टनसी दूंगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग दे देते हैं शिखर धवन को कैप्टनसी, संजू सैमसन को वाइस कैप्टनसी। यहाँ पे देख सकते हो 36% पब्लिक ने इनको कैप्टनसी दी है, शिखर धवन को ओनली 20% पब्लिक ने दिया है, तो दोस्तों सेफ जाना है, तो संजू सैमसन को कैप्टनसी, शिखर धवन को वाइस कैप्टनसी दे देना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि अगर धवन फ्लॉप हो गए, सैमसन ने रन बना दिए तो टीम आप लोग हार जाओगे। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, अगर रिस्क लेना है तो मेरे जैसे शिखर धवन और संजू सैमसन को रख के चल सकते हो, जो मैं करने वाला हूँ। अभी के लिए मेरी यही टीम बनेगी, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है, याद रखना, ठीक है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर हो जाना फाइनल अपडेट्स के लिए। दोस्तों ग्रैंड लीग की बात करें तो मनन ओहरा याद रखना, अजिंक्य रहाणे याद रखना, ये 2 प्लेयर्स, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मिलर जो भी खेलेगा उसको याद रखना। विकेट के ऑलराउंडर सेक्शन में शिवम दुबे, राहुल टेवाटिया और मार्कस स्टोइनिस, ये 3 प्लेयर्स इनको याद रखोगे तो ये कुछ प्लेयर्स है, 6 से 7 प्लेयर्स मैंने बताए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर्स का काम करेंगे, जरूर ट्राई करोगे। रहाणे को तो ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करना है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में रबाडा और नॉर्थ अजय, इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन, अलग अलग टीम्स में कैप्टन कैप्टन कर सकते हो, कैन टेक 3 और 4 विकेट्स इन सिंगल मैच, ठीक है, तो जरूर ट्राई कर सकते हो आप लोग।
तो दोस्तों मैंने सेम टीम बनाई, माइली ऑन सर्कल पे कोई चेंज नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी अभी वही होने वाले हैं। हो सकता है मेरी फाइनल टीम जरूर चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टॉस देख के। तो फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने सारे स्टैट्स आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से टीम मैंने प्रोवाइड की है, हर न्यूज़ मैं आपके साथ लेके आया हूँ। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, मोटिवेशन बना रहेगा, अगले मैच में मेहनत और भी बनी रहेगी। ग्रैंड लीग वाला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी ग्रैंड लीग वाला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।